अपनी जिद के मुताबिक पंजाब के अटॉर्नी जनरल एपीएस देओल को उनके पद से हटाने में कामयाब हुए नवजोत सिंह सिद्धू। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए अपना इस्तीफा सिद्धू ने ले लिया है वापस, लेकिन कमान संभालने के लिए उनकी आखिरी जिद थी एपीएस देओल को हटाना। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ सिद्धू ने किया साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम चरणजीत सिंह ने एपीएस देओल के इस्तीफे की दी जानकारी। 27 सितंबर को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे राज्य की राजनीति में मचा दिया था हड़कंप। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद देश में भुखमरी के हालात बदतर हुए। यूनाइटेड नेशन के बाद अब कनाडा के एक थिंक टैंक इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट एंड सिक्योरिटी ने अपनी रिपोर्ट में भयावह हालात पर जताई चिंता। कैनेडियन थिंक टैंक के मुताबिक अफगानिस्तान में खाने की कमी के चलते अपने बच्चों को बेच खाना जुटाने को मजबूर हुए अफगान। तालिबानी कब्जे के बाद बाहरी मदद से वंचित हैं अफगानिस्तान। आपूर्ति की कमी के चलते खाने पीने के दाम छू रहे आसमान। मध्य प्रदेश भाजपा महासचिव पी मुरलीधर के बयान की आलोचना। अपने बयान में बोले, मुरलीधर ब्राह्मण और बनिया समुदाय से संबंध रखने वाले लोग उनकी जेब में रहते हैं। कांग्रेस ने माफी मांगने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सार्कस्टिक अंदाज में मुरलीधर ने अपनी जेब में हाथ रखते हुए पत्रकारों के सवाल के जवाब में कही ये बात। भाजपा नेता मुरलीधर के बयान की आलोचना करते हुए बोले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सबका साथ सबका विकास के नारे लगाने वाली भाजपा, लेकिन उसकी नेता ब्राह्मण और बनिया को रखते हैं अपनी जेब में। बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुरेंद्र कुमार सिन्हा को ढाका कोर्ट ने सुनाई 11 साल जेल की सजा। जस्टिस सिन्हा को कर्ज लेने में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनाई गई सजा। लोन धोखाधड़ी के आरोप में 4 साल और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 7 साल की सुनाई गई सजा। तत्कालीन फार्मर्स बैंक से 4 करोड़ रुपए के कर्ज के गबन के मामले में पूर्व चीफ जस्टिस एसके सिन्हा सहित 11 अभियुक्तों में 8 को सुनाई गई अलग अलग सजा। और स्टॉक बाजार में आज दिखा उतार चढ़ाव। इंट्राडे में 60,670.47 पर पहुंचा सेंसेक्स 112.16 अंकों की गिरावट के साथ 60,433.45 पर बंद हुआ। 18,112.60 के स्तर पर निफ्टी 24.30 अंकों की गिरावट के साथ 18,044.25 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पर 14 और निफ्टी पर 25 स्टॉक्स बढ़त के साथ हुए बंद।